नमस्ते दोस्तों, मैं असित कुमार तिर्की, आप सभी का दोस्त इस आसान इंग्लिश चैनल में मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स सीखे थे। तो दोस्तों, अभी हम इंग्लिश सीखने के बहुत बेसिक स्टेज में हैं। तो अभी हमें क्या करना है, उन छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ करके हमें छोटे छोटे फ्रेजेस बनाने के लिए सीखना है दोस्तों। किसी भी भाषा को सीखने का जो बेसिक स्टेप होता है दोस्तों, वो क्या होता है, सबसे पहले हम लेटर्स को सीखते हैं, उसके बाद में लेटर्स को जोड़ करके हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, वर्ड्स को जोड़ करके छोटे छोटे फ्रेजेस बनाना सीखते हैं, और उन फ्रेजेस को जोड़ करके हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, फिर पैराग्राफ्स बनाते हैं, फिर आगे हम सीखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम बेसिक स्टेज में हैं, अभी हम जो भी वर्ड मीनिंग्स जानते हैं उन वर्ड्स को जोड़ जोड़ करके हमें छोटे छोटे फ्रेजेस बनाने के लिए सीखना है और उनको डेली यूज करना है। ये चीज तो दोस्तों हम सब कर सकते हैं, बहुत बेसिक लर्नर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इन्हीं वर्ड्स के साथ में हमें कुछ सब्जेक्ट्स को भी जानने की आवश्यकता है, ठीक है। और वो सब्जेक्ट्स मैक्सिमम जो है 8 है दोस्तों, और वो सब्जेक्ट्स ये हैं कि उनको चलो हम सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक साइड में सिंगुलर और एक साइड में प्लूरल। यहां आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, पहला वाला क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, दूसरा वाला सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन्स कौन होते हैं दोस्तों, ये जो फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, वो फर्स्ट पर्सन कौन है, बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन कौन है, सुनने वाला होता है, और जो थर्ड पर्सन वो है, सुन करके किसी दूसरे को बताने वाले होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में कौन है, आई है, वो सिंगुलर है, और प्लूरल में जाएंगे तो क्या है, वी है। तो आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है, वी का मतलब क्या होता है, हम होता है। अब देखो सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में सिंगुलर में कौन है, यू है, और प्लूरल में कौन है, यू है। तो यू जो है वो दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। चलो थर्ड पर्सन में जाते हैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर साइड में 3 है और प्लूरल साइड में 1 है। सिंगुलर साइड में कौन कौन है, ही, शी और इट है। ही दोस्तों लड़कों के लिए यूज होता है, मेल के लिए यूज होता है, और शी दोस्तों फीमेल के लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए यूज होता है, और इट जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए और अदर थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और प्लूरल साइड में जाएंगे तो क्या है दोस्तों, दे, दे मतलब क्या होता है, वे होता है। तो दोस्तों, जब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे अभी, तो इन्हें भी हमें ध्यान में रखना है, इनका मीनिंग हमको ध्यान में रखना है और उसका भी उपयोग करके हमें सीखना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़ जोड़ करके छोटे छोटे फ्रेजेस बनाना सीखते हैं, जिससे कि हम डेली यूज कर सकें, घर में हम इनका उपयोग कर सकें, और इंग्लिश हम धीरे धीरे से सीखना शुरू कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इन छोटे छोटे इरेगुलर वर्ब्स या फिर रेगुलर वर्ब्स के साथ में हम छोटे छोटे और शब्द जोड़ करके हम छोटे छोटे फ्रेजेस बना करके इन्हें हम डेली यूज में यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, कम, इरेगुलर वर्ब है, उसके साथ में हम जोड़ दें हियर, कम हियर, इसका मतलब क्या हो जाता है, यहां आओ। वैसे ही हम बोल सकते हैं कम देयर, वहां आओ, या फिर हम उसी के साथ में और भी अलग अलग वर्ब्स को जोड़ सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग वर्ब जोड़ करके हम अलग अलग छोटे छोटे फ्रेजेस बना सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को एक लिस्ट देने वाला हूं, उसमें मैंने आप लोगों को बना के दिया है, और साथ में और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे गो, गो देयर, कहीं किसी को हमें वहां भेजना है तो हम क्या बोलेंगे, गो देयर, वहां जाओ, ठीक है। टेक दिस, इसे लो, टेक दैट, उसे लो, ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, ब्रिंग मोबाइल, मोबाइल लाओ, सिंग सॉन्ग, गाना गाओ, ईट फूड, खाना खाओ। ऐसे ही हम छोटे छोटे बहुत सारे फ्रेजेस बना करके डेली यूज कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे करने से क्या होगा, हमारे मन में जो डर है, हमारे मन में जो थोड़ी सी शर्म की भावना है, वो क्या होंगे, धीरे धीरे से दूर होने लगेगा, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे किसी को दूध पीने के लिए बोलना है या फिर पानी पीने के लिए बोलना है तो क्या बोलोगे, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मिल्क, ठीक है। मैसेज भेजना है तो क्या बोलोगे, सेंड मैसेज,
ठीक है, तो ऐसे ही हम अलग अलग छोटे छोटे फ्रेजेस बना करके दोस्तों रोज यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर हमें बोलना है कि यहां मत आओ, ठीक है, नहीं बोलने के लिए हमें उसके साथ में डोंट यूज करना है। क्या यूज करना है दोस्तों? डोंट यूज करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि यहां मत आओ, तो क्या बोलोगे? डोंट कम हियर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, या फिर मत मिलो बोलना है तो क्या बोलोगे? डोंट मीट, ठीक है, या फिर बोलोगे यहां मत बैठो, क्या बोलोगे? डोंट सिट हियर। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे फ्रेजेस बना करके यूज करने के लिए हम सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। यही बेसिक स्टेप है दोस्तों, ऐसे ही करके धीरे धीरे से हम इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते जाइए, ऐसे ही छोटी छोटी फ्रेजेस बनाते रहिए और धीरे से आप सेंटेंसेस बनाने के लिए भी सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला स्टेप हम क्या सीखेंगे? सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे दोस्तों। ये एक बहुत बेसिक चीज है जो हमें रोज करना है दोस्तों। जो भी भाषा सीखता है यहीं से शुरू करता है दोस्तों वो। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं सब कुछ सीख लूंगा तभी मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा। ये मेंटालिटी आप कभी मत रखिए दोस्तों, नहीं तो आप और हम कभी नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश, ठीक है। अभी शुरू करते हैं, कल की हम नहीं सोचते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। इसलिए दोस्तों चलो हम अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि हम कल परसों नरसों आते तक हम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना सीख गए रहेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा लिस्ट प्रिपेयर किया है यहाँ पर, बेसिक यूज जो करते हैं हम घर में छोटे छोटे फ्रेसेस का। तो इस फ्रेस को आप या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप अपने से भी बना सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ईजी है, बशर्ते हमें इसे याद बस नहीं करना है, इसे हमें रोज दिन यूज करना है दोस्तों, तभी हम यूज टू होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ज्यादा नहीं सिखाता दोस्तों, बहुत छोटी चीजों को थोड़ी समय में सिखाता हूँ। ये नहीं कि एक ही बार में बहुत सारा चीज बता दिए और कुछ सीखे नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम सेंटेंसेस बनाने के लिए सीखेंगे। पर दोस्तों ये काम करना आज ही से शुरू कर दीजिए, यही छोटा सा काम था, इस काम को हमें आज शुरू करना है। तो दोस्तों जो जो इस चैनल में नए हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल बटन को दबाने के लिए मत भूलिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय।